दोस्तों एक बार आप सभी को फिर से जय गंगे माता। आज 10 अक्टूबर का दिन है, फिर से हरिद्वार से आपको एक नई वीडियो के साथ शुरुआत हो चुकी है आज की। तो आज सबसे पहले आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो चुकी है अपने सुभाष वाले घाट से दोस्तों। और जैसी जैसी ठंड के दिन बढ़ते जा रहे, वैसी वैसी माँ गंगा जी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते जा रहा है। आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से धीरे धीरे माँ गंगा जी का जो जल है एकदम साफ और स्वच्छ सा नज़र आ रहा है। आप लोग देख सकते हो, ये देखिएगा। और आने वाले 2-4 दिन के बाद शायद ही माँ गंगा जी का जल को पूरी तरीके से और कम कर दिया जाएगा, जैसे कि आपको पता ही होगा दशहरे के बाद माँ गंगा जी के जल को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है, क्योंकि गंगा जी की सफाई की वजह से गंगा जी के जल को रोक दिया जाता है। दशहरे के बाद आपको शायद ही गंगा जी का जल कम देखने को मिलेगा, बाकी आप लोगों को अपडेट दे देंगे हम जैसे ही गंगा जी का जल कम होगा। तो फिलहाल चलते हैं हरिद्वार के बाकी और घाट की ओर, वहाँ के दर्शन कराते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, चलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं हरिद्वार के बाकी और घाट की ओर, वहाँ के दर्शन कराते हैं, नज़ारे दिखाते हैं। बट आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग 1 बजे का समय हो चुका है, सुबह और शाम का मौसम मैंने आपको फिर बता रहा हूँ चेंज हो चुका है। अगर हरिद्वार आने की प्लानिंग हो तो हल्की फुल्की अपनी स्वेटर जरूर लाए, बाकी दिन में अभी गर्मी है, दिन में धूप काफ़ी तेज़ है, तो बाकी सुबह और शाम का मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बस बाकी चलते हैं और दूसरे घाट की ओर, वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। चलो भाई ले चलते हैं आपको सीधे सुभाष वाले घाट को पार करने के बाकी और घाट की ओर। यहाँ पे देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पे सोना चांदी गंगा जी में या सिक्के वगैरह ढूंढते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और जैसे ही गंगा जी का जल कम होगा ना भाई, ये सभी घाट पे आपको पूरी तरीके से ऐसी लोग देखने को मिलेगी। अभी देखना, अभी तो थोड़ा बहुत जल दिख रहा है ना, बीच में जैसे ही कम होगा ना फिर आप लोग देखना कि किस तरह से यहाँ पे घाट पे भीड़ लगी रहती है श्रद्धालुओं की। चलो भाई चलते हैं बाकी और सामने घाट की ओर, चलते हैं दोस्तों सीधे भागीरथी सेतु को पार करके बाकी और सामने घाटों की ओर, नज़ारे देखते हैं और भीड़ देखते हैं आज कितनी ज़्यादा है घाट पर, क्योंकि आपको दर्शन कराएंगे भीड़ के लिए। ये देखिएगा, यहाँ से एक बार पहले आप लोग गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। चलते हैं धीरे से सामने घाट की ओर, देखते हैं दोस्तों आज भीड़ तो हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रही है घाट पर। आप लोग देख रहे हो, ये देखिएगा, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं उसी के चलते लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँच रहे हैं। ये देख सकते हो गंगा जी की बड़ी वाली धारा की ओर पहुँच चुके हैं अभी हम। ये रही गंगा जी की बड़ी वाली धारा, देख सकते हो बड़ी वाली धारा की ओर भी आप दर्शन कर सकते हो पूरी तरीके से, और गंगा जी की लहरें देख सकते हो सामने से। ये देखिएगा, और सामने आपको धनुष वाले पुल के भी दिव्य नज़ारे और दर्शन कर सकते हो आप लोग। गंगा जी का जल इतना कम हो चुका है, लोग देख सकते हो किस तरह से रेलिंग को पार जाकर स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे कुछ लोग। ये देखिएगा, चलिएगा दोस्तों सीधे नाए वाले घाट के नज़ारे भी आप लोगों को दिखा देंगे। ये देखिएगा दोस्तों, आप पहुँच चुके सीधे नाए वाले घाट पर, और नाए वाले घाट के नज़ारे आप लोग आप देख सकते हो और दर्शन कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों नाए वाले घाट पर भी आज आप लोग भीड़ देख सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालु हमें नाए वाले घाट पर भी नज़र आ रहे हैं माँ गंगा जी में डुबकी लगाते हुए आप लोग देख सकते हो। ये देखिएगा, और जल अभी कहीं ना कहीं अब कम करके रख दिया है, अभी से आप लोग देख सकते हो। ये देख रहे हो, ये देखिएगा यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गंगा जी का जल आज कम नज़र आ रहा है, आप लोग देख रहे हो। और दशहरे के बाद देखना ना दोस्तों, इतना कम हो जाएगा ना जल, आपको अपडेट देंगे हम, क्योंकि ये दिवाली तक फिर कम करके रखते हैं, 15-16 दिन तक जल आपको पूरी तरीके से कम ही नज़र आएगा। तो बाकी हर की पौड़ी पे भी आज हमें कहीं ना कहीं भीड़ नज़र आ रही है, अभी ले चलेंगे हर की पौड़ी पर भी, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग नाई वाले घाट के दर्शन कर लीजिएगा। नाई वाले घाट के दर्शन कर ही होंगे आपने, अब धीरे से चलेंगे और हर की पौड़ी वाले घाट पर। लेकिन भाई साहब यार गर्मी क्या लग रही है यार दोस्तों, क्या बात है यार, दिन के समय इतनी भयंकर गर्मी सच में आ रही है। देख रहे हो, और गंगा जी का जल ये देख सकते हैं यहाँ से कितना ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, देख रहे हो। ये देखिएगा, और सामने आपको आप माँ मनसा देवी के दर्शन कराते हैं, जय माँ मनसा देवी। ये देख सकते हो मनसा देवी के दर्शन कर सकते हो, अभी चलते हैं आप, ठीक है सामने की ओर। ये देख रहे हो, ये नाई वाले घाट पर आप यहाँ पर भी मुंडन वगैरह करा सकते हो बच्चों का, उसका देख सकते हो, पिंडदान वगैरह भी घाटों पर करा सकते हो, ज़्यादातर लोग यहाँ पर इसी तरह से नज़र आते होंगे आपको। और ये देखिएगा आप बड़ी वाली धारा की ओर भी आप लोगों ने दर्शन कर ही लिए होंगे, सामने धनुष वाले पुल के भी आप लोग नज़ारे देख सकते हो, और माँ गंगा जी की गल गल कलाती है लहरों की आवाज़ भी आप लोग सुन सकते हो पूरी तरीके से। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं सीधे शिव वाले घाट की ओर, और शिव वाले घाट पर भी आज देख सकते हो
कहीं ना कहीं हमें भीड़ नज़र आ रही है शिव वाले घाट पर भी, आप लोग देख ही सकते हो, ये देख रहे हो, ये देखिएगा। और शनिवार संडे को थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाती है हरिद्वार में, आपको पता ही होगा शनिवार संडे थोड़ी सी भीड़ बढ़ी रहती है क्योंकि छुट्टी रहती है। और अभी आगे का ना एक दो दिन आगे तो भीड़ बढ़ने वाली क्योंकि लगातार दो तीन दिन तक छुट्टी है बच्चों की भी, स्कूल की भी, तो उसके चलते और ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है हरिद्वार में, आपको बता दें। तो अभी आप लोग पहुँच चुके हैं सीधे ब्रह्मकुंड घाट रास्ते प्रवाह घाट पर, ये देखिएगा ब्रह्मकुंड घाट के भी आपको नज़ारे दिखाते हैं, ये देख सकते हो ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे देख सकते हो और दर्शन कर सकते हो। ये देखिएगा सामने ही माँ गंगा जी की दिव्य आरती होती है और आप लोग देख सकते हो आज ब्रह्मकुंड घाट के भी सुंदर नज़ारे और सुंदर दृश्य आप लोग देख सकते हो, कहीं ना कहीं भीड़ भी आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिएगा दोस्तों सीधे पहुँच चुके हैं घंटाघर वाले घाट पर और घंटाघर वाले घाट के भी आप लोग नज़ारे देख सकते हो। ये देखिएगा किस तरह से श्रद्धालु आपको माँ गंगा जी में डुबकी लगाते हुए स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हो। और सामने रहा आपका मालवीय घाट जो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, देख रहे हो, ये देखिए, ले चलते हैं उस घाट की ओर भी। ये देखिएगा दोस्तों ये रहा मालवीय घाट और मालवीय घाट के नज़ारे देख रहे हो, ये देखिएगा हमारे साथ मालवीय घाट के भी दिव्य नज़ारे, दिव्य दर्शन आप लोग कर सकते हो दोस्तों। चलेगा चलते हैं धीरे से और सामने से थोड़े से आपको व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं और महिला वाले घाट के भी आपको नज़ारे दिखाते हैं, कुछ श्रद्धालु माँ गंगा जी में किस तरह से आपको स्नान करते हुए या मस्ती करते हुए नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हो, ये देखिए, देख रहे हो किस तरह से गंगा जी में मस्ती करते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिएगा, देख सकते हो आप लोग, ये देखिएगा। बार बार बोलता हूँ दोस्तों अपनी वीडियो के माध्यम से इस तरह से स्नान नहीं करें, पर लोग बिल्कुल भी नहीं मानते, देख रहे हो, मतलब कि जाना जरूरी है दोस्तों भाव में ही, देख रहे हो। और इनको देख देख के छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, देख रहे हो, ये देखिए एक छोटी सी बच्ची भी वहाँ से आने की कोशिश कर रही है, देख रहे हो, ये देखिएगा जल का भाव इतना तेज़ रहता है कभी कभी और माना अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इन्हीं लोगों को देख देख कर वो बच्ची भी वहाँ से आती है। अरे देखिए, ये देखिए कितनी छोटी बच्ची है, देख सकते, ये देखिएगा दोस्तों पहुँच चुके हैं सीधे मालवीय घाट के सामने, ये देख सकते हो मालवीय घाट और घंटाघर वाले घाट के यहीं से आपको दर्शन हो पा रहे होंगे पूरी तरीके से और सामने महिला वाले घाट के भी आपको दर्शन हो पा रहे हैं, देख सकते हो, ये रहा महिला वाला घाट, देख सकते हो पूरी तरीके से और गंगा जी के भी यहाँ से दर्शन कर सकते हो, किस तरह से श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करते हुए या डुबकी लगाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हो चैन के सहारे लटक कर किस तरह से माँ गंगा जी में स्नान करते हैं। और ये देखिएगा इस तरफ के नज़ारे आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ के भी आप लोग दर्शन कर सकते हो पूरी तरीके से, नज़ारे देख सकते हो सामने माँ गंगा जी के भी दर्शन कर सकते हो पूरी तरीके से, ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं सीधे संजय पुल पे और वहाँ से आपको दर्शन कराएंगे क्योंकि गर्मी भी बढ़ती जा रही है भाई और धीरे धीरे समय लगभग हो चुका है 2 बजे का, मुझे कंटिन्यू यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। तो आप चलते हैं सीधे संजय पुल पे, वहाँ से पूरी तरीके से दर्शन कराते हैं, ठीक है, चलिएगा चलते हैं दर्शन कराते हैं, हर हर महादेव हर हर गंगे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, चलते हैं, ले चलते हैं सीधे संजय पुल, चलिए। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका सीधे संजय पुल पर, देख सकते हो पूरी तरीके से नज़ारे देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो आपको पूरी तरीके से शवि घाट की ओर हमने दर्शन करा दिए, मिलते रहेंगे ऐसी हरिद्वार की नई नई वीडियो नए नए अपडेट के साथ, हर हर महादेव हर हर गंगे।